एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर शुरू किया था, उसमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में जो हमने सीखा था वो सीखा था रेजिस्टिविटी के बारे में, कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। और आपको पता लगा था कि जो रेजिस्टिविटी है वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितना है किसी कंडक्टर में, उसका ही क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। दैट्स मीन किसी कंडक्टर में से कितना रेजिस्टेंस फ्लो कर सकता है वो उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी। जिसकी वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की थी तो उसकी वैल्यू निकल के आई थी हमारी R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और वो जो हमारा रो था वही हमारी रेजिस्टिविटी थी। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं हमारे जो न्यूमेरिकल्स है, जो हमारे रेजिस्टेंस से रिलेटेड, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, जिसमें हमें सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, नए नए पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने का मौका मिलेगा। तो आपसे सबसे पहले जो मैं इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी वो यही है, अच्छे बच्चों की तरह फटाफट से अपनी नोटबुक और अपने पेन लेके अपने साथ बैठिए, मतलब नोटबुक पेन को अपने साथ लेकर बैठिए, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस को करना है राइट डाउन। क्वेश्चन को एक बार खुद से, मैं ना कराऊं उससे पहले खुद से एक बार उस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए, क्या आपसे ये सोल्व होते हैं। और अगर सोल्व होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होते तो आइए चलिए हम सोल्व करके देखेंगे हमारे क्वेश्चंस कि हमसे सोल्व होते हैं या नहीं। तो हम लोग करने वाले न्यूमेरिकल्स, हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के टॉपिक पर डिपेंडेंट है। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट नहीं आते या अभी तक आपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले आप उनको देख लो, ठीक है, क्योंकि उन पर डिपेंडेंट ही हमारे न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। अपन को क्या करना है, इसमें थोड़ी सी हमारी जो कंसेप्चुअल है वो हमारा बेस्ड होगा, तो अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है, टॉपिक किया हुआ है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपने वो नहीं किया हुआ तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, ठीक है। शुरू करें न्यूमेरिकल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल में, स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले स्टेटमेंट देखनी होती है। स्टेटमेंट देखने के बाद आपको जस्ट ये देखना है कि आपको जो भी गिवन है और जो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है उसको आपको मैच करना है अपने उस कॉन्सेप्ट के साथ जो जो आपने पढ़े हैं। आपको ये देखना है कि कहाँ पे किस न्यूमेरिकल, मतलब किस फॉर्मूले को आप मैच कर सकते हैं अपनी गिवन वैल्यू और शो दैट वाली वैल्यू के साथ। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए मेटल रोड इज 2 मीटर लॉन्ग। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक मेटल रोड है, आपके पास भी कोई एक मेटल रोड है। रोड का मतलब होता है डंडे जैसा, जैसे हमारे पास ये चोक होल्डर है ऐसे ही ये मेटल का बना हुआ है और बहुत बड़ा सा है। इसकी जो हमें लंबाई दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है, 2 मीटर। ये हमें लेंथ दी हुई है, दैट्स मीन हमें जो सबसे पहले गिवन है वो गिवन है हमें लेंथ। तो हम लिखते चले जाएंगे जो भी हमारी वैल्यूज हमें गिवन है, लेंथ हमारी गिवन है कितनी, 2 मीटर। बाद में बोला गया है एंड 8 मिलीमीटर इन डायमीटर। दैट्स मीन देखिए इस बात को थोड़ा समझिए कि इस रोड की जो कुछ ना कुछ ये सर्कल होगा नीचे, इसका जो डायमीटर हमें गिवन है वो है 8 मिलीमीटर। दैट्स मीन ये जो मेरा रोड है इसका जो ये वाला एरिया होगा इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 8 मिलीमीटर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर, जो कि आपको दिया गया है 8 मिलीमीटर का। अब जिन बच्चों ने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हैं, समझा है, न्यूमेरिकल कभी किया है, वो बच्चा देखते ही पहचान जाएगा मैम यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि यूनिट क्या है आपकी अलग से दी हुई है। यूनिट हमें तो ऐसा ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मीटर है तो इसको भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम मिली को चेंज करेंगे। जिन बच्चों ने मिली, मेगा, पीको वगैरह वगैरह नहीं किया है प्लीज अपनी ये वाली वीडियो देखे आना, क्योंकि उसमें हमें वैल्यूज चाहिए होंगी। ये वैल्यूज आपकी जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे सब में चेंज करनी है। तो कितनी हो जाएगी, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और यहाँ मीटर। तो अब हमारी जो वैल्यू है, डायमीटर जो है वो हमारा क्या हो चुका है, सिंपली जो हमें चाहिए था वो हो चुका है। सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। तो बेटा
होता है, रेडियस होता है डायमीटर बाय टाइम, सॉरी टू, डायमीटर बाय टू। तो डायमीटर कितना है आपका 8 × 10⁻³, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 × 10⁻³। ठीक है भाई, ये हमारा क्या आ चुका है, अब यहाँ पे हमारी जो हमारी रेडियस है वो आ चुकी है। कह रहे कंप्यूट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल 1.76 × 10⁻¹। यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी भी ऑलरेडी दी हुई है, और रेजिस्टिविटी हमें कितने गिवन है, रेजिस्टिविटी हमें दी गई है 1.76 × 10⁻¹ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी आपको गिवन है। अब आप मुझे बताइए कि जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है भाई, और हम बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि हमारा जो R होता है वो होता है रो L बाय A। ये हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को आप कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगे, उसको हमेशा क्लोज ब्रैकेट में बंद करेंगे, सॉरी बॉक्स में बंद करेंगे। तो रो आपको दी हुई है, लेंथ आपको मिल चुकी है, एरिया नहीं मिला है। तो एरिया क्या होता है, एरिया भाई कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आपको सिंपली यहां पे क्या करना है, आर की वैल्यू रखनी है। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारी 4 × 10⁻³, सिंपल। अब आपको आपके सामने आपका फॉर्मूला है, आपको जस्ट फॉर्मूले का यूज करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो आइए चलिए, यहाँ पे आप थ्योरी में लिखेंगे पुट ऑल दी वैल्यूज इन दी फॉर्मूला एंड वी गेट, ये लिखने के बाद आप सारी वैल्यू को क्या करेंगे अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे, पे सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले रो की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो कितनी है हमारी रो की वैल्यू 1.76 × 10⁻¹। जब हम देखेंगे हमारी लेंथ की वैल्यू, तो लेंथ हमें गिवन है कितनी 2 मीटर। देन उसके बाद हमें जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है हमारी एरिया की, एरिया की वैल्यू गिवन है हमें पाई, और कितनी है 4 × 10⁻³, और उसका भी स्क्वायर। तो मैं इसको दो बार लिख लूं ताकि मुझे ज्यादा आसानी हो जाए, मैंने आपसे भी यही बता रखा है, वैल्यू को दो बार लिख लीजिए लेकिन उसका स्क्वायर मत कीजिए, आपको टफ लगेगा। तो जब आप इस पाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू हम अगर 22/7 रखें तो 22 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 7 मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले जो ये पावर्स आपको दी गई है, कहने का मतलब जो ये 10 की पावर्स आपको यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले इनको सोल्व कर लो तो ज्यादा आसानी रहेगी। अब आप देख सकते हो 2 यहाँ पे भी है, तो जब मैं यहाँ की 2 लूंगी तो यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं मल्टीप्लाई में 100। तो 10 देखिए 3 कितना हो गया -6, और -6 में से जब आप 2 0 हटा दोगे तो माइनस का 4, और ये माइनस का 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁴। यहाँ पे मैंने ये 10 वाली वैल्यू सब सोल्व कर दी है। यहाँ पे हमारा बचता है 10⁻¹, यानी कि 10⁻¹। जब इसको सोल्व कर लोगे, है ना, जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 10⁴। तो 10 की जो पावर थी वो तो हमारी सोल्व हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आई है अब तक। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए, ये आपका 11, ये हमारा कट चुका है, ये हमारा कट चुका, ये कट चुका, ये कट चुका। ठीक है, ये हमने किया यहाँ पे, तो हमारा कितना, यहाँ पे जब मैंने 2 से ये कैंसिल किया तो 11 पे गया हमारा ये। अब हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, है कुछ कैंसिल करने लायक चीज, आप खुद देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो हम इसको 2 से करते हैं, 2 ये हमारा कैंसिल, अगेन ये 2 पे जा रहा है, या फिर इसको 2 पे मत करो, इसको 2 ही रहने दो, इसको करो 8 पे, अगेन ये हमारा गया 4 पे, और ये 4 से 4 हमारा हो गया है कैंसिल। ठीक है, तो सब कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे कट हो चुका है, सिर्फ आंसर बचा हमारे पास 7। तो बेटा इसका जो आंसर होगा रेजिस्टेंस का वो होगा 7 × 10⁻¹, और यूनिट लगाना ना भूलिएगा, ये आया हमारा 7 × 10⁸ ओम। आपका आंसर आ चुका है, आपके सामने है, किस तरह से काटा है मैंने, किस तरह से इस सॉल्यूशन को किया है, ये भी बिल्कुल आपके सामने था।
कुछ भी ऐसा नहीं किया हमने जो समझ से बाहर हो, जो समझ में ना आए, सब कुछ बहुत अच्छे से समझा है, सारी टर्म्स को बहुत अच्छे से एक एक करके समझा है कि कैसे हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जस्ट हमेशा जो बोलती हूँ मैं वही किया है मैंने, अब भी आपको जस्ट क्या करना है, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवेन है, जैसे मुझे स्टेटमेंट गिवेन थी तो मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया। जब आप एग्जाम में डायग्राम बनाते हो तो एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है कि हाँ बच्चे ने समझ के किया है, याद किया है, कुछ भी रट्टाफिकेशन उसने नहीं दिखाया है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझा है। तो जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया, जैसे जैसे हमें जो चीजें गिवन थी मैंने यहाँ पे वो गिवन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, देन उसके बाद जो भी मुझे चाहिए, क्योंकि देखिए एरिया निकालना है, एरिया के लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो हमें डायमीटर से क्या करना था, रेडियस में चेंज करना था, तो हमने ऐसे यहाँ पे क्या कर लिया, चेंज कर लिया। देन उसके बाद मैंने ये देखा कि हमें एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, हमें लेंथ गिवन थी, एरिया के लिए रेडियस हमने निकाली, रेजिस्टिविटी निकाली, दैट्स मीन हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, तो मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, और मुझे एरिया चाहिए था तो एरिया की मैंने वैल्यू निकाल ली यहाँ से। देन उसके बाद सारी चीजों को आप पुट करेंगे तो आपके पास मैथमेटिकली ये टर्म आएगी। मैथमेटिकली टर्म को यूज करने के लिए, आई मीन टू से उसको सोल्व करने के लिए, कभी भी ये कोशिश मत करिएगा कि एक साथ सबको सोल्व करो, एक साथ करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जितनी भी 10 की पावर हो, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, ऊपर वाले की ऊपर सोल्व करो, नीचे वाले की नीचे सोल्व करो, फिर नीचे वाले चाहे माइनस में हो प्लस में हो उसको ऊपर ले रहो, अगर वो नीचे माइनस में है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, और फिर ऊपर वाले के साथ उसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, उसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद आपके पास बचती है कुछ डिजिट्स, इन डिजिट को सोल्व करने इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि अब हम लोग बड़ी क्लास में आ चुके हैं तो हमें इतना तो मैथ्स आना ही चाहिए। तो जब आप ये सारा सिस्टम कर लेते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाता है, और आंसर आप देख सकते हो कितना आया है हमारे रेजिस्टेंस का, 7 × 10⁴। तो अब आपका एक ही काम रहेगा, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से नोट डाउन करके देख लो, इसको अपने नोटबुक में लिख लेना, नोट्स बना लेना, एक एक चीजें अगर आप कुछ और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन आने लायक है, ठीक है, आई मीन टू से क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको अपना नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा न्यूमेरिकल, देखते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया गया है, क्या क्या आई मीन टू से गिवेन है हमें, और कैसे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखो भाई हमारे सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या गिवेन है, सबसे पहले हम गिवेन वैल्यूज लिख लेते हैं कि हमारी गिवेन वैल्यूज क्या क्या है। गिवन वैल्यूज आप तभी लिख सकते हो जब आप लोग इसको पढ़ोगे और इसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को, न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को। आपको गिवन है नंबर 10 वायर हैज अ डायमीटर ऑफ, यानी कि भाई बहुत सारे क्या लगाए हुए वायर्स लगाए हुए हैं, तो जो 10 नंबर वायर है कहाँ है, हैज अ डायमीटर ऑफ। तो सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पे डायमीटर, सबसे पहले आपको डायमीटर ही दिया गया है, और डायमीटर है आपको गिवन 2.59 मिलीमीटर। अब अगेन मैं वही बात कहूंगी, जिन बच्चों ने समझा है, देखा है कि किस तरह से हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं, वो देखते ही ये बात समझ जाएंगे कि अगर डायमीटर हमें 2.59 मिलीमीटर दिया है तो ये गलत है, क्योंकि हमें हमेशा एसआई में निकालना होता है। तो जब अगर आप इसको एसआई में निकालना चाहते हो तो आपका जो डायमीटर आएगा वो कितना आएगा, 2.59 × 10⁻³ मीटर, इतना हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। कभी भी ऐसे वैल्यू आंख बंद करके मत लिख देना, वरना क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, हाउ मेनी मीटर ऑफ नंबर एल्यूमिनियम वायर इज नीडेड। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे जो ये बोला है हाउ मेनी, ये जो वर्ड आपको बोला गया है हाउ मेनी मीटर, तो मीटर आप जानते हैं मीटर क्या होती है, मीटर हमारी लेंथ होती है। तो आपसे एक्चुअल में पूछा गया है कि लेंथ कितनी होगी, तो आपसे लेंथ की वैल्यू पूछी गई है। आगे बोला है वायर इज नीडेड टू गिव इन रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, यानी कि हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस तो गिवन है, कुछ नहीं करना, रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1 ओम। नेक्स्ट बोला है फॉर एल्यूमिनियम इज, रेजिस्टिविटी भी आपको यहाँ पे गिवन है,
ये रेजिस्टिविटी है बेटा, रेजिस्टिविटी भी आपको गिविन है। तो रेजिस्टिविटी क्या गिविन है आपको, ये आपको गिविन है 2.8 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। आपको लेंथ एक्चुअल में निकालनी है और आपसे बोला गया है कि आप इसको फाइंड आउट करिए कि ये कितना होगा। तो क्या करना है, सिंपली जैसा हम हमेशा करते हैं अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना फॉर्मूला यूज लिखेंगे कि हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज है। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालनी है। तो यहां से आप जब लेंथ निकालोगे तो ये हो जाएगा R A बाय रो। नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज, नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन। आपको क्या करना है, इक्वेशन वन में सारी की सारी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। अब चलिए, रेजिस्टेंस है, एरिया आपको खुद फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, आप सबसे पहले एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें कुछ ऐसा है जो आपको चेंज करना है। अब वो पहले आप दिमाग लगाइए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के कि ऐसा क्या है जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर उसको मिस कर दोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। इतनी चीज तो समझ में आ जानी चाहिए थी आपको कि हाउ मेनी मीटर है, मीटर किसकी लेंथ होती है। ऐसा कई बार होगा, इवन गवर्नमेंट एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही इस तरह के दिए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलेगा लेंथ बताओ, वो आपको हिंट देगा। तो हिंट कैसे, यहाँ पे आपको हिंट दी गई है जस्ट मीटर देके। अब मीटर किसकी यूनिट है वो आपको याद होनी चाहिए। तो मीटर जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है। तो एग्जैक्टली हमसे क्या पूछा गया है, लेंथ पूछा गया। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो जल्दी से कि क्या यहाँ पे मिस कर दिया है जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसी क्या वैल्यू है जो यहाँ पे हमें पुट करनी है लेकिन अभी तक हमने नहीं की है, क्योंकि अब देखो रेजिस्टेंस चाहिए, एरिया चाहिए, रो चाहिए। रेजिस्टेंस ले लिया, एरिया लिया क्या, रो तो हमें डायरेक्ट दी हुई है लेकिन आपने एरिया पे फोकस नहीं किया जैसे हमने यहाँ पे एरिया पे फोकस किया था। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे एरिया की वैल्यू क्या होगी, तभी तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना। तो बताओ जल्दी से कितनी होगी। तो यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात थी ना वो ये थी बेटा कि जब हमें वायर की लेंथ ऑलरेडी गिविन थी तो हमें क्या बोला गया कि इतना आपका डायमीटर है और इतनी लेंथ है, तो हमने इजीली एरिया निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे हमें जो करना है वो वायर है, उसका डायमीटर बहुत 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 कम होगा। तो दैट्स मीन हम जब उसका एरिया निकालेंगे, इसको यहाँ पे समझिए, जब हम उसका एरिया निकालेंगे तो वो हमारा होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है थोड़ी सी। तो अब डी की वैल्यू आपको पता है और 4 भी आपको पता है, तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप सारी वैल्यूज को क्या करो, पुट करो। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करूंगी यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू R, हमारा कितना दिया गया है, R दिया है हमारा 1 ओम। देन उसके बाद आपको एरिया कितना है, एरिया आपका 22/7, ठीक है, और इनटू में आपका 4 भी है। और D कितना दिया गया है आपको, D है आपके पास देखिए 2.59 × 10⁻³। अगेन मैं इसको लिख रही हूँ 2.59 × 10⁻³। और नीचे जो आप वैल्यू लिखोगे वो है आपकी रो की, और वो आपको दी गई है 2.8 × 10⁻¹। ये आपको वैल्यू दी गई है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये इरेज कर रही हूँ। अगर आपने ये अभी तक नहीं लिखा है तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग इसको नोट कर लो। अब मैं इसको इरेज करके यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली हमें कैसे उस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, ठीक है। तो आइए फिर जल्दी से एक बार अपने इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। हमारे पास लेंथ आई है कितनी, 1 × 22 × अलग अलग लिखते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता रहे हमने किस में से क्या क्या चेंज किया है। 10⁻³ × अगेन कितना है, 2.59 × 10⁻³। और नीचे जो हमें वैल्यू दी गई है वो दी गई है बेटा आपको 7 × 4 × 2.8 × 10⁻¹। अब जैसा हमेशा बोलती हूं मैं, सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इस पे, सबसे पहले।
ठीक है, यहाँ पे भी हम इस पे फोकस करेंगे। अब जरा ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे सॉल्व करो। देखो जब आप यहां से हटाओगे तो यहाँ पे आएगी आपकी 20, ठीक है, और यहां से भी हटाओगे तो भी क्या आएगी आपकी 20। जब आप यहां से हटाओगे तो यहां आ जाएगी आपकी 10, तो मैं ये 10 कर देती हूँ इसको। अब आप ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे सॉल्व करो, तो देखो कैसे करोगे। 1, सबसे पहले माइनस वाला करो, -3 -3 कितना हो गया -6, 8 यहाँ पे 10 है, तो -6 में से 1 गया, 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -5, बाकी क्या बचा आपके पास 22 और 259, और अगेन आपका कितना है 259, इसको ऐसे ही रहने दो। नीचे वाला करो अब सोल्व, देखो 10 की पावर -8 और यहाँ पे 20 40, तो -8 में से 4 के कितना बचेगा 10 की पावर -4 बचेगी या नहीं, और नीचे वैल्यू क्या बची 7 × 4 × 28, क्लियर यहां तक। अब देखो पहले इन पावर को ही सॉल्व करो, ऊपर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, होगा या नहीं बताओ मुझे। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कितना बचेगा ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -1 बचेगा। अभी इसको ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहां से क्या कटता है। ये यहाँ हमारा 2 पे, ये हमारा 1 4, इजी। और कुछ आपका है ऐसा जो कट रहा है? हाँ भाई बताओ बताओ। तो क्या हमारे 7 पे ये वैल्यू कट होगी? बिल्कुल 7 पे कट हो रहा है, ये 37 पे, ये 7 पे हमारा कैंसिल, 7 पे अगेन हमारा 2 पे, और ये हमारा 37 पे कैंसिल, इजी। और ये हमारा सोल्व हम कर ही चुके हैं, तो बचा यहाँ पे हमारा 4। तो 4 किसी से कुछ डिवाइड वगैरह हो रहा है क्या? तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है फिलहाल वो है 11 37 × 37 / 4 4 2 8 8, और ये 10 है तो मैं इसको 80 कर रही हूँ, ठीक है। तो आप जब इन सबको सोल्व कर लोगे, जब आप फाइनली इनका रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, तो ये रिजल्ट आपका लगभग लगभग आएगा 188 मीटर। दैट्स मीन आपसे क्वेश्चन में लेंथ पूछा था, लेंथ आपका आया है 188 मीटर, जब आप इस फाइनली इसको सोल्व कर लोगे। तो ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ, एक बार अपने इस फाइनल रिजल्ट को सोल्व करके देख लो कि इतनी वैल्यू आती भी है या नहीं। अच्छे से इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, पहला वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। इस वाले क्वेश्चन में ये चीज फोकस कीजिएगा कि जो लेंथ है वो आपको एक वायर की दी गई है, और टोटल जो वायर्स हैं वो कितनी है 10 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नंबर 10 वायर। तो आपको याद रखना है ये सारी की सारी चीजों को, और अच्छे से यहाँ पे एरिया आपको क्या करना है, याद रखना है कि एरिया आपका यहाँ पे π d² / 4 रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन को, वैल्यूज को आप लोग अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करोगे। सबसे पहले जो हमारे जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ोगे, देन उसके बाद जितनी भी आपको गिविंग चीजें हैं उनको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से एग्जाम में लिख के आओगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज्ड को अलग से, और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा इसको किसमें क्लोज करो, अपने बॉक्स में क्लोज करके रखो। देन उसके बाद जो आपसे एग्जैक्टली पूछा गया, अब पूछा क्या गया है वो भी आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही मतलब अजीब तरीके से दिया कि मीटर निकालो, यानी कि ये नहीं कहा कहीं भी कि लेंथ निकालो, कहा हाउ मेनी मीटर ऑफ नंबर एल्यूमिनियम वायर। तो मीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। अब इतनी सी तो कॉमन सेंस अपन को रखनी पड़ेगी अगर मार्क्स लेने हैं तो, वरना भाई यहाँ पे आप लोग बिल्कुल नील हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें लेंथ पूछी है, और ये तो आप वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते थे कि रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टिविटी दी है, एरिया आप डायमीटर से निकाल ही लोगे, तो सिंपल सी बात है। लेंथ नहीं दे रखी तो आप लोग लेंथ फाइंड आउट कर लो, कर सकते हैं ना, हम थोड़ा सा अपना माइंड लगा सकते हैं, और माइंड लगाने के बाद आपको जो फॉर्मूला मिलेगा उसमें आप सारी की सारी वैल्यू को क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। सारी वैल्यू को पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे पूरी की पूरी सॉल्यूशन। देन उसके बाद आप इस सारे को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा, हमेशा पहले 10 की पावर्स को सॉल्व कर लो, पहले ऊपर वाली को करो, देन नीचे वाले को करो, फिर नीचे से ऊपर ले जाओ ताकि वो सॉल्व हो जाए। सब कुछ को जब आप लोग सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड वगैरह कर लोगे, तो आपके पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, जैसा हमारे पास इस क्वेश्चन में आया कि हमारी जो लेंथ आई है वो कितनी आई है,
वो आपकी आई है 188 मीटर। तो इजी है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, उन न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या पूछा है, किस तरह से पूछा है, कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। और ये चीज आपको तभी ही आएगी जब आप उसको खुद एक बार करके देखोगे। नोटबुक लो, अपनी रफ नोटबुक लो, पेन लो, अच्छे से सारी चीजों को एक बार करके देखो। नहीं समझ में आए तो मुझे क्वेश्चन नंबर बता दो, दोबारा बता दूंगी। लेकिन एक बार प्रैक्टिस तो बनती है बॉस, तो एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखो, करके देखो इस न्यूमेरिकल को, मुझे बताओ होता है या नहीं। अभी हमारे न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद करेंगे हम हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको। लेकिन उससे पहले अच्छे बच्चों की तरह इन क्वेश्चन को सोल्व करो, दोनों क्वेश्चन को आप करके देखोगे, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो मैं हूं, ठीक है। फटाफट से नोटबुक निकालो, पेन निकालो और इनको सोल्व करो। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो होता है और किस तरह से हमें इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें हमें ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम किसी भी वैल्यू को सोल्व करके कोई भी जो हमारा फॉर्मूला है उसकी हेल्प से कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था, आपको अपनी नोटबुक पेन अपने साथ रखना है, स्टेटमेंट को नोट डाउन करना है, और एक बार वीडियो को आप पॉज करेंगे और एक बार ये चेकआउट करो जो आपको गिविन है और जो आपसे पूछा गया है, क्या आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। क्योंकि एक बार आप में खुद में कॉन्फिडेंस आ गया तो आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो एक बार वीडियो को जल्दी से पॉज करके देखो, स्टेटमेंट पढ़ो, समझो क्या आपके आ रहा है समझ में, क्या आप कर सकते हो। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोग इस पैटर्न पर, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टिविटी निकालनी है या रेजिस्टेंस निकालना है, हम लोगों के पास फॉर्मूला है और हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आइए चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम मैं आपको करा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। किस तरह से होगा, जैसे मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले आपको करना है क्या, स्टेटमेंट को पढ़ना है और जो भी आपको गिवन दिया गया है उस गिवन को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, यानी कि रेजिस्टेंस कहा है ऑफ ए वायर इज, रेजिस्टेंस बेटा आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो जो आपको गिवन है वो आप सब क्या कर लेंगे यहाँ पे नोट डाउन। तो रेजिस्टेंस क्या है वायर का, वो आपका दिया गया है 44 × 10⁻⁶ ओम मीटर। इतना आपको क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस गिवन है। आगे बोला है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, ओ सॉरी ये रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, ये रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, तो ये मैंने ही गलत लिख दिया यहाँ पे, आप सही कर लेना अपना, ये रेजिस्टिविटी है। वैसे हम लोग इसकी यूनिट से भी चेकआउट कर सकते थे, ओम मीटर है ना, तो ओम मीटर किसकी होती है, रेजिस्टिविटी की होती है। क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या होता है, रेजिस्टेंस तो सिंपली आपको ओम होता है, तो हम ऐसे भी पता लगा सकते थे, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस भी आपको गिविन है, और रेजिस्टेंस आपको कितना गिविन है, वो आपको गिविन है 14 ओम्स। आगे आपको बोला गया है इट्स डायामीटर 1 मिलीमीटर, यानी कि हमें यहाँ पे डायामीटर गिविन है, और डायामीटर आपको गिवन है यहाँ पे 1 मिलीमीटर। अब अगेन मैं वही बात कहूंगी, जिन बच्चों ने क्लास ली है समझा है वो देखते ही समझ जाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 1 मिलीमीटर बोला है, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है, कहने का मतलब हमें SI में चाहिए, क्योंकि बाकी के सारे की सारी जो क्वांटिटीज है वो हमारी SI में है। तो इसको SI में जब चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1 × 10⁻³ कितना, -3 मीटर। तो इतना क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे डायमीटर आ जाता है। अब हम देखेंगे हमें फाइंड आउट करना क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो हम शुरू करेंगे, वी नो दैट, शुरू करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, सब कुछ हमारे पास है, लेंथ नहीं है, लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ को आप ऐसे ही रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा आर ए बाय, सॉरी यहाँ पे रो आएगा, देखो कुछ नहीं करना है, ये आर ए हो जाएगा, तो आर ए और रो कहाँ जाएगा हमारा, नीचे ऐसे हो जाएगा। अब हमें लेंथ निकालनी है,
अब देखो जरा एक बार अपना जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है यहाँ पे फाइनली जो हमें यहाँ पे फॉलो करना है, एक बार इस फॉर्मूले को देखो और समझो। रेजिस्टेंस है, एरिया नहीं है, रेजिस्टिविटी है। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया। और जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आपको डायमीटर से सबसे पहले क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होगी आपकी, रेडियस होगी हमारी डायमीटर बाय टू। और डायमीटर हमारा कितना है, 1 × 10⁻³ बाय में कितना आएगा आपका, 2। इतना आपको दिया गया है। मैं ऐसा करूं तो कोई दिक्कत, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे करूंगी 10 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5, और ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁴। इतना हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस आ जाएगी। कुछ नहीं किया मैंने, सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया। यहाँ 2 था तो मैंने इस 10 को कैंसिल कर दिया, और ये जो 10 है ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 और -3 हो जाएगा -4। तो हमारा जो यहाँ पे रेडियस निकल के आएगी उसकी वैल्यू लगभग लगभग कितनी होगी, 5 × 10⁻⁴। अब आप एक बार मैच कर सकते हैं कि जितनी भी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हैं बोर्ड पे, ये सारी वैल्यूज अब उससे मैच होती हैं जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। आप देख सकते हैं आर हमारे पास रेजिस्टेंस है, एरिया हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर चलिए निकाल ही लेते हैं, एरिया यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट ही कर लेते हैं। तो एरिया क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होगी। आर हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 10⁴, और इसका स्क्वेयर, ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। अब एरिया भी है, रेजिस्टेंस भी है, और रेजिस्टिविटी भी है। जस्ट हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, आप एक लाइन लिखेंगे, पुट ऑल दी वैल्यूज इन फॉर्मूला सो वी गेट, ये लाइन आपको पक्का लिख के आनी है। अब वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस है हमारा 14, देन उसके बाद एरिया है हमारा। एरिया को मैं हमेशा बार बार आपसे बोलती हूँ कि आपको एरिया को कैसे लिखना है, दो बार लिखो, एक बार मत लिखो। तो क्या आएगा, 5 × 10⁻⁴, अगेन 5 × 10⁻⁴। नीचे रो है और रो की वैल्यू कितनी है, 44 × 10⁻⁶। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वैल्यूज दिख रही होंगी 10⁻⁴ में, सबसे पहले ये 10⁻⁴ की वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे। तो जब आप इनको करेंगे तो -4 − 4 − 10 − 8 आ जाएगा, 10⁻⁸, और नीचे आपका दिया हुआ है 10⁻⁶, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और आपके मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 10⁻²। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, ये चीज समझ में आई मैंने कैसे की है, भाई ऊपर -4 − 4 − 8 आ गया, नीचे -6 है तो -6 आ गया, -6 को ऊपर लेके जाओगे तो +6 हो जाएगा, और +6 − 8 करोगे तो कितना आएगा, -2। ये चीज समझ में आई। अब हमें सिंपली, ये तो हमने कर दिया, बाकी सब कुछ हो गया है, अब हमें सॉल्व करनी है हमारे ये जो वैल्यूज रह गई हैं ये। तो यहाँ पे 7 × 2 = 14, 22, और ये आपका कितना हो जाएगा, 11, और ये 11 × 2 = 2। कुछ रह गया भाई हमारा, यहाँ पे कुछ कटना रह गया, ये हो गया हमारा 50/2 रह गया हमारा। यहाँ पे देख लीजिए भाई, भाई 5 × 5 = 25, और 25 × 2 = 50, और नीचे हमारा क्या रह गया था, 2। सिंपल, तो ये हमारा जब कैंसिल होगा तो कितना होगा हमारा, 25, और 10⁻⁴ तो मैंने लिखी रखी है, तो यह हो जाएगा हमारा 25। देख लो भाई कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आप एक बार खुद से सॉल्व करके देख लेना इसको, ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो एक बार इसको चेकआउट कर लो सारे बच्चे मिलके कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर होती है तो उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यह हो जाता है हमारा क्वेश्चन, हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल एकदम, हमारा न्यूमेरिकल हमारे सामने है।
बिल्कुल अच्छे से कुछ वैल्यू हमारी मुझे नहीं लगता रह गई है, आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी था। जस्ट हमें क्या करना था, हमें अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट करना था, जो भी आपको वैल्यूज इसमें गिविन है, मतलब जो भी क्वेश्चन में गिविन है उनको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लोगे। गिविन हम इसलिए नोट डाउन करते हैं बच्चों ताकि हमें एग्जैक्टली पता लग जाए कि हमें क्या क्या दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसकी गिविन वैल्यू को क्या करते हैं, मैचअप करते हैं और फिर देखते हैं जो भी हमने पढ़ा हुआ है, जो भी फॉर्मूले हमें आते हैं वो कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है और कैसे हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से उसको देख लेंगे, समझ लेंगे कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में था, हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन फॉर्मूला लिखना है, मेन फॉर्मूले के बाद जो आपको फाइंड आउट करना है, जैसे हमें इसमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो जब आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपको जस्ट क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है। मीन टू से लेंथ एक साइड ले आओ, बाकी की वैल्यू को उधर के साइड ले जाओ। जब आप ऐसे करोगे तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप क्या कर पाओगे, इसको सोल्व कर पाओगे। तो ऐसे ही आपको एरिया निकाल लेना है, क्योंकि एरिया आपका रेडियस से निकलेगा, तो डायामीटर को चेंज करना मत भूलना। और दूसरी बात कि डायामीटर जब आपको मिलीमीटर में दिया जाए तो बिल्कुल भी मत भूलना कि उसको एसआई में चेंज करना है, गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो और आपके सामने है बाकी पूरा का पूरा सोल्यूशन। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, कैलकुलेशन से मत घबराओ, आपका मेन फोकस वैसे तो फिजिक्स में फिजिक्स के टॉपिक पे ही होना चाहिए, फिजिक्स पर ही होना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम लोग फोकस करेंगे कैलकुलेशन में थोड़ा सा। तो कैलकुलेशन के टाइम पे घबराओ मत, ये मत सोचो इतनी सारी चीजें हैं, जस्ट पहले 10 की पावर को सोल्व कर लो और देखिए अगर आपकी 10 की पावर सही आ जाती है, जैसे -2 है तो -2 आ जाती है, आगे थोड़ा बहुत मिस्टेक होती है तो एग्जामिनर माफ कर देता है, ठीक है। तो 10 की पावर को अच्छे से सोल्व किया करो और अच्छे से एक बार देख लेना, एक बार इसका आंसर को भी चेक कर लेना, ठीक है। तो अब आपका काम रहेगा अच्छे बच्चों की तरह, आपका जो मैंने आपको तीन न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तीनों आप फेयर नोटबुक में भी लिखोगे, तीनों आप एक बार रफ नोटबुक में लिखकर क्वेश्चंस लिखकर एक बार खुद से सॉल्व आउट करोगे, ताकि कभी भी आपसे एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो आप पीछे ना हटो या आपका मन घबराए ना, क्योंकि जो काम एक बार कर चुके होते हैं फिर उससे डरना घबराना फिर उससे दिक्कत नहीं होती है। तो कोशिश करना अच्छे से इस चीज को आप देख पाओ, कर पाओ, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं, रेजिस्टेंस का जो हमारा मेन टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे कि अगर हम रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बना सकते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। जैसे हमने कैपेसिटेंस लगाया था तो हमने कैपेसिटेंस को दो तरह से जोड़ा था, एक हमारा सीरीज था एक हमारा पैरेलल था। सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, कंबाइन किया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे फोकस करनी है। तो चलिए फिर फटाफट से पहले इनका नोट्स बना लीजिए, ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट पे आइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जो कि मैं आपसे हमेशा टास्क देके जाती हूँ, आज फिर आपसे टास्क देके जा रही हूँ, प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, लाइक करना मत भूलना वीडियो का, आपकी एक वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप अगर एक लाइक भी करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी एनर्जी आपका मोटिवेशन है, जो आप मोटिवेशन मुझे दोगे और दोगे कैसे, लाइक से। तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनको भी अच्छे से टॉपिक समझ में आए। तो चलिए फिर अब आपसे अलविदा चाहूंगी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।